नामकुम आईपीएस भवन का सीधे रुख करते हैं, जहां नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। जेपीएससी ने 4 साल बाद चिकित्सा पदाधिकारियों की नियुक्ति की है। हमारे विभाग के जितने भी काम करने वाले जो पैरामेडिकल्स के हैं, डॉक्टर्स हैं, पीजीज हैं, जो अभी भी काम कर रहे हैं, वो हकदार है। सो मैं चाहता हूं कि वो ये मेडल जो है, ये प्रशस्ति पत्र, उसको हम समर्पित करें। दूसरी एक हमारी इच्छा थी, आज तीनों विभाग के संगी सरवा होते हैं, वो उपस्थित हैं। सो एक मेरा दिली इच्छा है कि जैसे हम दूसरे जगह भी बात कर रहे थे कि हमारे दूसरी स्ट्रेन आ रहे हैं, दूसरी जगह काफी अच्छे लैब्स हैं, हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी एक लैब बने, जो फ्रंट लाइन वर्कर के जैसे हम काम करते हैं, वो काम करके दिखाएंगे। अभी हमारे पी एस साहब ने बोला कि एक इनोवेटिव आइडिया लाइए, अगर आप पेरिफेरी में भी काम कर रहे हैं तो इनोवेटिव आइडिया लाने से क्या होगा कि इस हेल्थ का डेवलपमेंट होगा। सो हम तीनों से रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे पास एक PSL-3 लैब हो, सिक्वेंसर हो। बहुत पैसे नहीं लगेंगे सर, बहुत पैसे नहीं लगेंगे, लेकिन आप चाहेंगे सर तो होगा, और हम काम करके दिखाएंगे आपको। सो मेरा एक रिक्वेस्ट है सर, और कुछ नहीं है सर, ये डिपेंड करता है सर को, आपकी उपलब्धि होगी सर, और कुछ नहीं सर। थैंक यू सर, काफी है सर, और कुछ नहीं है सर, हम काम करके दिखाएंगे सर। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। मैं पुनः अनुरोध करूंगी हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय से कि उनके कर कमलों से डॉक्टर प्रवीण कर्णा, स्टेट एपिडेमियोलॉजिस्ट IBSP के हैं, उन्हें ही प्रशस्ति पत्र दें। दिन रात जिले और राज्य के साथ में कोऑर्डिनेशन के साथ हरे गाइडलाइंस और SOP को भेजने में और सभी लोगों के साथ सामंजस्य बनाते हुए कार्य को आगे बढ़ाने में इनके योगदान के लिए इन्हें हार्दिक अभिनंदन और बधाई आपके सहयोग के लिए। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करती हूँ तेज करण चारण से, जो चीफ मिनिस्टर हेल्थ एडवाइजर फेलो हैं, पूरे कोविड के समय में डेटा के साथ काम करना, डैशबोर्ड में काम करना, प्रेडिक्शन करना और फोरकास्टिंग करना कि कितने हॉस्पिटल्स और कितने बेड्स चाहिए, इसमें तेज का एक विशेष योगदान रहा है, और इसलिए उसे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इन्हें भी प्रशस्ति पत्र के साथ उनके कार्यों के लिए सराहना की जाती है, और आगे भी इसी तरह से कार्य करें उसके लिए उत्साहित किया जाता है। आज के इस विशेष दिन में जो कुछ वर्षों से इंतजार था कि JPSC के माध्यम से हमारे MOs आए और PHC और CHC में अपनी सेवा प्रदान करें, ये वक्त है कि उन्हें नियुक्ति पत्र के साथ में नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए हम राज्य के उन खाली पड़े CHC और PHC में एक नई रौनक स्वास्थ्य की लाए। मैं अनुरोध करूंगी हमारे मुख्य अतिथि महोदय से कि पुनः उनके कर कमलों से JPSC के द्वारा विभागीय चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अली जायद अनवर को, वो डॉक्टर अली जायद अनवर को नियुक्ति पत्र अपने कर कमलों से दें। इसके बाद मैं अनुरोध करूंगी डॉक्टर किसलय अंकिता टुडू, डॉक्टर किसलय अंकिता टुडू, डॉक्टर किसलय अंकिता टुडू मैं अनुरोध करूंगी डॉक्टर भवनी मंडल, डॉक्टर भवनी मंडल, डॉक्टर कृष्ण मोहन, डॉक्टर कृष्ण मोहन, एवं डॉक्टर MD रियाज अनवर कुल 280 हमारे JPSC के द्वारा नौ नियुक्त चिकित्सा पदाधिकारी आ रहे हैं चिकित्सक, और इन्हें भी सबों को प्रशस्ति पत्र दिया, सबों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। मैं अनुरोध करती हूँ NHM के द्वारा अनुबंध पर
हमारे एसएमओस और एमओस को भी नियुक्ति पत्र के द्वारा नियुक्ति पत्र वितरित किया जाए। डॉक्टर गीता रानी कुडू एसएमओ विशेषज्ञ चिकित्सक एनेस्थेटिस्ट हैं। डॉक्टर गीता रानी कुडू एनेस्थेटिक्स, डॉक्टर शफक वारसी ईएनटी, डॉक्टर शफक वारसी ईएनटी स्पेशलिस्ट, डॉक्टर सौरभ अग्रवाल नेत्र विशेषज्ञ हैं ऑप्टोमोलॉजिस्ट, डॉक्टर सौरभ अग्रवाल, डॉक्टर अभिषेक कुमार एमओ चिकित्सा पदाधिकारी, डॉक्टर अभिषेक कुमार एमओ चिकित्सा पदाधिकारी और डॉक्टर शाहीन कौसर, डॉक्टर शाहीन कौसर चिकित्सा पदाधिकारी। धन्यवाद। अब मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी से अनुरोध करूंगी कि सभा को संबोधित करें। चार साल बाद चिकित्सा पदाधिकारियों के सामूहिक नियुक्ति की है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता सभी को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं और अब हम सुनेंगे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को इस मौके पर क्या कहते हैं। खुशी का दिन है और कल ही हमने माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार ने एक वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है और अपने स्थापना दिवस को हमने नए विजन नए जोश के साथ पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव नेचर को रखते हुए हमने कल स्थापना दिवस मनाया और आज हम अपने चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और काफ़ी हम आपको नियुक्ति पत्र देते हुए अपने आप को बहुत हर्षित और उल्लासित महसूस कर रहे हैं। जेपीएससी के द्वारा 280 चिकित्सकों की नियुक्ति हुई है, एनएचएम के द्वारा अनुबंध पर 87 चिकित्सकों को बहाल किया गया है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने बहुत तेज गति में इन बहाली की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम सबों को दिशा निर्देश दिए। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ मंच पे बैठे हमारे प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी जी को। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे एनएचएम के अभियान निर्देशक रविशंकर शुक्ला जी का, अपर निर्देशक विद्यानंद शर्मा जी का, हमारे मार्शल आईन जी का और विशेष करके आज जो COVID-19 में काफी चुनौती भरे काम को अंजाम दे रहे थे और इस विपरीत परिस्थिति में ना हिम्मत हारी ना हम लोगों को हिम्मत हारने दिया और जब निजी
अस्पताल और निजी नर्सिंग होम ने करीब 80% लोगों ने काम बंद कर दिया कोविड-19 के भय से। वैसी परिस्थिति में हमारी सरकारी संस्थानों ने, हमारे चिकित्सकों ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने, स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हमारे कर्मियों ने, पुलिस के लोगों ने, होमगार्ड के लोगों ने और सरकार के विभिन्न संस्थाओं से लोग मिलकर इस कोविड-19 के विकराल रूप को कम करने में जो महती भूमिका निभाई है, इसके लिए मैं अपने पूरे सरकारी महकमा के सभी स्वास्थ्य सेवा से जुड़े पदाधिकारी, चिकित्सक, संबंधित लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद देता हूं। और आप ही के इस सफल प्रयास से, आपकी अद्भुत क्षमता से और आपके द्वारा अपनी जान की बाजी लगाकर आपने आज देश के रिकवरी रेट में से जो राज्य के रिकवरी रेट हैं विभिन्न राज्यों के, उनमें झारखंड का स्थान 98% के करीब ला दिया है और मृत्यु दर भी देश की मृत्यु दर से करीब आधी है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, अपनी तरफ से, प्रधान सचिव जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और नए चिकित्सकों की आज नियुक्ति के साथ सरकार की नई आशा है, नई सरकार की सोच है कि आपके माध्यम से हम अपने पीएचसी में, सीएससी में, हमारे हेल्थ वेल्थ सेंटर में, एफआरयू में, आपके माध्यम से हम हमारे गरीब ग्रामीण जो इस राज्य सरकार के तरफ बहुत आशान्वित है, उनकी आशा और आकांक्षा की पूर्ति करने के लिए आप सरकार के मजबूत स्तंभ के रूप में काम करेंगे, ऐसी आशा विश्वास के साथ हम आपको बहुत बहुत शुभकामना देते हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं। और मैं समझता हूं कि चूंकि नव वर्ष भी है और आने वाला नव वर्ष मंगलमय हो, समृद्धि और उन्नति से भरा हो और आप और हम मिलकर एक उन्नत झारखंड, समृद्ध झारखंड, स्वस्थ झारखंड की परिकल्पना के साथ आगे बढ़े, ऐसी मैं आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। मैं उस समय देखता हूं जब मुझे भी कोविड हुआ था और कोविड के क्रम में कहना बड़ा आसान था लेकिन उस पर इंप्लीमेंट करना बड़ा कठिन था। हम लोग पीपी किट बड़ा सुनते थे और किस परिस्थिति में हमारे चिकित्सकों ने, हमारे मनोज भाई जैसे डॉक्टरों ने पीपी किट पहनकर जो घंटों घंटों कसरत की है, मैं आपको एक उसकी वाणी बताता हूं कि जब मुझे कोविड हुआ और मुझे जब ले जाया गया टेस्ट के लिए तो मुझे भी पीपी किट पहनाया गया और महज आधा घंटा 45 मिनट की एक छोटी सी अल्पावधि में मेरे पसीने छूटने लगे थे, मुझे बहुत शरीर से अंदर से बहुत अकबकाहट होने लगी थी, मन कर रहा था कि कैसे हम पीपी किट को तुरंत उतार दें। आप सहज अनुमान लगाइए कि हमारे चिकित्सक, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे हाउसकीपिंग के लोग किस तरीके से सुबह से शाम तक पीपी किट पहनकर सेवा कर रहे होंगे, कितना अपने जान को जोखिम में डाल रहे होंगे। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं डॉक्टर मनोज जैसे लोगों को, हमारे डॉक्टर कर्ण जैसे लोगों को, हमारे एडवाइजर तेज प्रताप जी जैसे लोगों को,
जो लगातार जो है इस कोविड की विपरीत परिस्थिति में खड़े होकर हम लोगों के साथ कदम ताल कर रहे थे, और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आशा उम्मीद करता हूँ कि आप नौजवानों का चयन हुआ है। हमारे अभी प्रधान सचिव साहब ने आपको संबोधन में कहा कि आपकी गुणवत्ता पर हम नहीं अभी डिबेट डिस्कस कर रहे हैं, हम आपकी उपयोगिता पर डिबेट डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आपको सिर्फ अभी तत्काल ये कह रहे हैं कि आप केवल जो है पीएससी और सीएससी में जाकर अपने समय पर जाकर बैठ जाएंगे, और थोड़ा बहुत भी लोगों के साथ यदि बातचीत होने लगेगी तो आपको खुद ही एक आशा और विश्वास जगने लगेगा, और जो गरीब ग्रामीण है उसके चेहरे पर मुस्कान आने लगेगी। और जब गरीब ग्रामीण का चेहरा मुस्कुराएगा और जब हमारे चिकित्सकों के चेहरे मुस्कुराएंगे तो हमारी सरकार का चेहरा मुस्कुराता हुआ दिखने लगेगा। इसलिए हम आपके चेहरे पर भी मुस्कान लाना चाहते हैं और आपके माध्यम से मरीजों के चेहरे पर मुस्कान।